इधर देखो जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? और कहाँ पर बैठे हो अभी? सीट पे सो गए आप? अरे यार मेरी वाली सीट पे नहीं सोना, एक ही की जगह है यहाँ पे, एक ही की जगह है यहाँ पे। हाँ आपको मम्मी के साथ सोना है, वहाँ नीचे आराम से उतरना। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। ओ पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, दोस्तों नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र नेगी। तो भाई मैं पहुंच चुका हूं लैंसडाउन, और जैसे कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये हमारा कुमाऊनी मोहल्ला। और जब मैं पहले यहां पे आया था तो यहां पे बिल्कुल चेंजेस थे, मतलब बहुत पुराने टाइप का बन चुका था। और पिछले कुछ साल के अंदर यहां पे काफ़ी डेवलपमेंट हुआ, काफ़ी यहां पे मेंटेनेंस हुई, और यहां पे आप देख रहे होंगे पूरा कलर हो चुका है। आप देख रहे हैं हमारा मोहल्ला चमक गया बिल्कुल, तो कुमाऊनी मोहल्ला बन चुका है भाई, बहुत ही सुंदर। और यहाँ पे अब वॉशरूम्स यहाँ पे मेरे पीछे हैं, वो भी नए बने, और पहले इतनी अच्छी हालत दी थी लेकिन अच्छी हालत हो चुकी है, प्रॉपरली बन चुके हैं अब। गर्मी से बचते हुए हम पहुंच गए हैं लैंसडाउन, और यहाँ पे आके हमें हो रही है बहुत खुशी, क्योंकि वैसे तो यहाँ पे भी धूप अच्छी है लेकिन इतनी इतनी धूप है कि भाई सहन की जा सकती है। और सुबह शाम तो मौसम बढ़िया है ही यहाँ पे, तो फिलहाल तो आज ही मैं आया हूँ सुबह सुबह मॉर्निंग ट्रेन से, और थोड़ी थकावट थी तो मैं नहा धो के हो गया था फ्रेश, ताकि अभी शाम को हमको घूम सके। हम जा रहे हैं मेरे घर के पीछे से, और यहाँ पर भी कुछ चेंजेस हुए हैं। ये देखो हमारे घर की जो पीछे वाली खिड़की है, पहले हम यहाँ से भी देखते थे, यहाँ पे ना पिलर्स पूरा पुराने हो गए थे, ये सब चेंज हो गए हैं, पहले मोटे मोटे पिलर्स थे। तो ये मेरे घर के पीछे का सीन, यहाँ पे क्रिकेट फील्ड होता था, मतलब बन जब छोटे छोटे थे तो यहाँ पे क्रिकेट खेल लेते थे। देखते हैं अब तो यहाँ पे बैरिकेड लग गया भाई इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर जैसा, और वहाँ से बॉलिंग होती थी और वहाँ तक सिक्सेस मार सकते थे, और कभी कई बार बॉल ने छत के ऊपर चल जाती थी घर पे, और फिर हमें बहुत डांट पड़ती थी बॉल लाते वक्त। और जो सामने आपको टावर दिख रहा होगा भाई, ये लैंसडाउन की जान, क्योंकि जो यहाँ पे सिग्नल्स आ रहे हैं तो भाई इसी टावर की वजह से आ रहे हैं। और जब से ये टावर लगा है तब से नेट जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है वो भी काफ़ी अच्छी हो गई है, तो अब घर तक सिग्नल आ पाते हैं। अब देखिए पूरा ऊपर पिरूल हो रखा है, इस पिरूल की वजह से ही पूरे उत्तराखंड में काफ़ी आग लगी है इस बार, और बहुत से ऐसे शरारती तत्व भी रहे हैं उत्तराखंड में जिन्होंने आग लगवाई है। तो नेचुरल ढंग से अगर आग लगे तो उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैन मेड फायर नहीं होनी चाहिए। पूरा भाई ब्लू में पेंट हो चुका है पूरा का पूरा, मैन इन ब्लू बन चुके हैं अब भाई। T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है तो भाई मैन इन ब्लू चलना चाहिए। और अभी मैं जा रहा हूँ पापा की शॉप में, क्योंकि कियांश वहाँ नीचे ही पहुँच गया है, और कियांश ना बहुत शरारती हो गया, अपने आप ही चले जा रहे हैं यहाँ से पैदल। तो मैं देखने जा रहा हूँ वो कर क्या रहा है वहाँ पर, क्योंकि वो पक्का वहाँ पे ना सारी की सारी चीज़ें खा रहा होगा दुकान में बैठ के, क्योंकि आज को दुकान मिल गई है दादू की पूरी लूटने के लिए आज। तो
जाते हैं वहाँ पे, पकड़ते हैं ज्ञान को, ज्ञान कर क्या रहा है वहाँ पे, वकील मोहल्ले में जहाँ पे हमारी शॉप है, और यहाँ ज्ञान को पकड़ते हैं क्या कर रहा है। ये रहा ज्ञान, सॉरी देखो दुकान में जा रखा है, मेरे को लग रहा है सारे डब्बे खोल खोल के चीज खा रहा है ना। नहीं। क्या कर रहा है, कुछ बेच रहा है क्या? क्या कितने कितने की है चॉकलेट बता दे। अरे क्या खेल नहीं है ये, दादू की शॉप है ये। हैं? पापा पापा क्या बना रहे हो, रोटी? आज चिकन बना है, सही है, पर रात को ही खाएंगे चिकन। ऊपर की साइड से ना रूम्स है रहने के लिए, काफी अच्छा स्पेस है अंदर, मतलब खेल भी सकते हैं। पार्किंग के लिए तो यूज नहीं होता, लेकिन किसी फंक्शन के लिए यूज होता है। मेरे ठीक सामने आप देख रहे हो, ये है यहाँ का गर्ल्स इंटर कॉलेज, तो यहाँ पे पूरी गर्ल्स पढ़ती हैं, और बहुत आसपास के गांव से यहाँ पे लड़कियाँ आती है पढ़ने के लिए, पढ़ाई के लिए। और ऊपर देखिए बहुत अच्छे फ्लावर्स लग रखे हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छा गार्डन भी है मेंटेन। तो ये एक बहुत मस्त पत्थर, पत्थर के ऊपर चढ़े, चढ़ो चढ़ो चढ़ के देखो पत्थर को, बैठ के ना अच्छा लगता है शाम को, और यहाँ से दिखता है मेरा घर, तो बहुत अच्छा व्यू आता है पूरे लैंड राउंड के मार्केट। ये पूरा मतलब घर भी है, उसके पीछे मार्केट है। चुका है पत्थर के ऊपर, कैसी कैसी हवा चल रही है, मस्त यहाँ से अच्छा व्यू आ रहा है ना। पत्थर आपको दिख रहा है ना, इसको मैं बोलता था किसकी तरह लगता है, क्या कौन सी फिश है बताओ? ब्लू व्हेल। हाँ तो हम ब्लू व्हेल के ऊपर बैठ गए, और ब्लू व्हेल हमें ले जा रही है समुद्र की गहराइयों में, पहाड़ से होते हुए। दिख गई उसके बच्चे, चांस कह रहा मुझे मुर्गियां देख। इधर आइसक्रीम बता दो। सबसे पीछे तो क्या है? हाँ एक पीछे छूट गया बच्चा, वो आ रहा है, वो हर समय पीछे ही रह रहा है, स्लो स्पीड है उसकी, नई कोशिश कर रहा है, फेल हो चुका है अटेम्प्ट, देखते हैं चैलेंज पूरा कर पाता है कि नहीं कर पाता। चढ़ क्या थोड़ा जान लगा, हाथ की जान, हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। और फाइनली क्यांस चढ़ चुका है इस पेड़ पे, वैसे तो छोटा सा पेड़ है, तो क्यांस के साथ सैंडल फिसल रहे हैं शायद कुछ। ओहू चढ़ गया। क्या कर रहे हो? वही गिरेगा, अब मत जा। अभी हम जा रहे हैं पिरूल के ऊपर, और क्यांस को बता रहा हूँ पिरूल में कैसे फिसलते हैं भाई, जैसे हम पैर रख रहे हैं वो पूरा फिसल रहा है, पिरूल ही पिरूल है। मैं कहता हूँ क्यांस को कि हम बचपन की याद ताज़ा करने जा रहा हूँ, और यहाँ पे हम फिसलते हुए आते थे। बैठ चुका है पिरूल के ढेर के ऊपर, बैठ जा और धक्का दे अपने आप को, फिसलते हुए आएगा, दे धक्का दे फिसलते हुआ। आ ना फिसल फिसल। पिरूल की होली खेलेंगे, पिरूल की होली कैसे खेली जाती है, रेडी? डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां सुनाए मीठे मीठे मेरे